मेरे यार दे घर चन्न वर्गा पुत्र पैदा होए सू अल्लाह जी ओदे मुखड़े दी लोह नाल मेरी हनेरी दुनिया च चानण हो गई चौधरी चौथी बार कुदरत ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया है। की कह रही है? जे तेन अपने यार की जबान ते यकीन नहीं ते जा जा के अपनी अखा नाल वेख ले तेरे यार दे कारण चौथी बारी फिर मोया है पुत्र जम्मी शेरिया ते भाभी तेरी भाभी हाले तक होश च नहीं आई ते लेडी डॉक्टर कह गई है। और रुक क्यों गया? छेटी नाल बोल की कह गई है? वो कह गई है जे चुदरानी ने चौथी बार भी जिंदा बच्चे की थां से मोए पुत्र की लाश वेखनी पई ते सदमे नाल उहदा कलेजा पाट जाएगा और पागल हो जाएगी। चेंज हो गया शेरिया तेरे यार दी हवेली मौत ते हनेरिया च डुब जाएगी। नहीं चौधरी नहीं, शेरे की दोस्ती का दावा हाली जिंदा है। मेरे जिंदिया जी मेरे यार दी हवेली मौत ते हनेरिया च नहीं डुब सकती। मैं इस हवेली नू रोशन कर ली अपने घर का चानण दे दिया। मैं कहनी हूँ चुप क्यों हो गया शेरिया? मैं पूछनी हूँ दोस्ती की केड़ी कबर है जिदे विच एक मां की मानता दफना देना चाहना मैं। ओ दोस्ती का केड़ा जख्म है जिन्हू पढ़न ले तू मेरे कलेजे नू बोटी नोचना चाहना मैं मजबूर रहन थे चौधरी नू जबान देना था। काश तू दोस्त की जबान तो बोलन दी थां एक मां की जबान तो बोल दो। एक मां दे दिल का एहसास कर दो शेरिया ते तेरी जबान तो एक मां की गोद लुटन का हुक्म कभी भी ना निकलता। रहने मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता पर अपनी दोस्ती की तोहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। तू दोस्त बन के दोस्ती की तोहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता ते मैं मां बन के मां के मुकद्दस रिश्ते दी तजिया नहीं उड़ा सकती। मां तले गिरे बान चाक करके एक मां नंगिया नहीं कर सकती। फिर मैनू नंगिया करन तो पहला चंगी तरह सोच ले रहंती। मेरी ता दोस्ती नहीं तेरा खौन भी है तेरा मजाजी खुदा भी है जे मैं नंगा हो गया ते शेरिया रहंते कमान चो निकलिया जीर ते वापस आ सकता है पर मर्दी जबान चो निकलिया बोल वापस नहीं आ सकता। मैं अपनी जान दे दियांगा पर अपनी दोस्ती का जनादा हर किसी नहीं उठन दियांगा। जे तेरी दोस्ती का जख्म भरन ले सिर्फ मां दे कलेजे दा टुकड़ा ही काम आ सकता है। मां अपना दिल नोच के जिंदा रवे या न रवे पर तेरी दोस्ती दी मिसाल जरूर दिखानी चाहिए। खड़ा क्यों शेरिया तेनू तेरी दोस्ती चौधरी दी हवेली च वाजा पई मार दियो एनू मेरिया नजरों तो दूर ले जा शेरिया। इतने कलेजे दे टुकड़े नू तोड़दिया देख के मेरी मन ता तेरी दोस्ती दी राज दीवार न बन जावे। रहंते मैं कहनी हां नू दूर ले जा चला जा शेरिया चला जा चला जा शेरिया चला जा एक ही जुल्म कीता है शेरिया। मैं तेन यार समझ के अपनी अख का जख्म विखाया सी किसे मां दी अख का नूर नहीं सी मंगया। गरीब रहमते ते जीवन दी जाने मर जाएगी। अपने लिए ते हर कोई जीवंदा चौधरी दूजे लिए जीना ते मरना ही असल जिंदगी है। शेरिया वादा कर चौधरी ए दोस्ती का नजराना है सवेली च तेरा पुत्र बन के रहेगा। मैं तेरे मोए बच्चे नू अपना बना के दोस्ती दी कब्र च हमेशा लई दफन कर देंगा। मैं अपने यार दी हवेली च जिंदगी दा चानण वेखना चाहना मौत दा हनेरा नहीं। तू यार दी हवेली विच मौत दा हनेरा नहीं वेख सकता ते मैं भी यार दी दुनिया नू खुदगर्जी ती अग नहीं ला सकता। शेरिया इस मासूम नू इत्थों वापस लै जा शेरिया। चौधरी अज मैं पहली बार तेरे अगे सवाली होया रब दा वास्ता ही मेरी दोस्ती दा नजराना वापस करके मेरी गरीबी दा मजाक ना उड़ा। ए ना शेरिया तेरे इस नजराने दे सामने कानून दा खजाना भी कुछ नहीं। तेरी इस कुर्बानी भी मेरे जिस्म दा लूलू एहसान मान दे मैं सारी हयाती तेरा देना नहीं दे सकता। सुल्तान शेरिया कुदरत दे रंग वेखो एक पासे चौधरी सुल्तान दे घर
तीन मोए हुए पुत्रां दे बाद पहली बारी जिंदा पुत्र होया ते दूजे पासे उहदे यार शेरे दे घर 16 सालां दे बाद मरिया हुआ पुत्र होया। और सुनिया है चौधरी ने अपने पुत्र दे जन्म दियां खुशियां मनाउण तो साफ इनकार कर दिता है ते हुण इह खुशियां चुदराणी दे चिरा नहाउण तो बाद ही मनाएगा।
ਵਹਿਮ ਤੇ मिलन तो बगैर ही मैं उन्हें वेखन वास्ते हवेली जरूर जावांगी।
बोल ना रहमते, उस हवेली के दरवाजे साढ़े वास्ते हमेशा लिए बंद हो चुके हैं। तू उस हवेली नहीं जा सकती। तू ठीक आखिया शेरिया, मैं उस हवेली नहीं जा सकती। उस हवेली के गिर्द तेरी दोस्ती की दीवार जो खड़ी है। रहमते, तेरी दोस्ती की दीवार मेरा रास्ता ते डक सकती है, पर एक मां को पुत्र दूर वेखन का हक नहीं खो सकती। रहमते, वेखो कैर तक जीरदा मां होके अपने लाल नू लाल नहीं कह सकदी। सीने दे नाल नहीं कह सकदी। मां दी अख तो अज बिछड़ गया जे, मां दी अख तो अज बिछड़ गया जे, मां दी अख दा नूर ते माज रह गई कली है, ते माज रह गई कली। मां दी अख तो अज बिछड़ गया जे, अजब तेरे दस्तूर। मां दी अख तो अज बिछड़ गया दे, नूर ते माज रह गई कली है, ते माज रह गई कली। मां दी अख तो अज बिछड़ गया जे। हेलो नजमा। हेलो मिर्जा। आज आप कुछ ड्रामे जैसा ले रहे हो? ऑफकोर्स। नजमा काफी देर होगी। जे तुहानू कार जानती छेती है तो तुसी बड़े शौक नाल जा सकते। मैं ते हाली रात दे ड्रामे दी रिहर्सल भी करनी है। मैं अंकल नूं की जवाब देंगा, उन्हां दे केस नाल लेके आने। मिस्टर असलम, तुसी मेरी आया नहीं कज़न हो, तुहानू मेरे नाल रहण दी कोई लोड़ नहीं, की समझे?
सलाम मामा जी। वालेकुम सलाम। बेटा तेरी अम्मी पिंडों में तीसरा खाता है। की लिखे? बस एक कोई पुराने गल कि असलम का इम्तिहान खत्म होते हैं, इन्हों जल्दी नाल पिंड भेज दियो। इस खातर खातरी तार समझना, मालूम होता है कि तेन देखने लिए बहुत ज्यादा ही बेताब है। आखिर क्यों ना हो माँ जो हो। मामा जी आज मेरे इम्तिहान का आखिरी पर्चा भी खत्म हो गया है, जे तुसी मैनू इजाजत दियो तो मैं कल पिंड चला जावां। दिल ते नहीं चाहता कि तेनू अपनी अखां तो एक पल भी दूर होण दिया, पर तेरी माँ की बेचैनी देखदिया होया तेनू रोकण का हौसला भी नहीं पैंदा। असलम नजमा तेरे नाल नहीं आई? शायद वो रात तो पहला ना आ सके। अज इम्तिहान खत्म होने की खुशी विच कॉलेज की स्टेज पर ड्रामा हो रहा है तो नजमा उहदे च हिस्सा लै रही है। बेगम इन दाद दे खेल तमाशे ते फैशन ने उन्हें बेअदब ते बदज़बान बनाता है, ये सब तेरे लाड प्यार दा नतीजा है। मेरी दी फैशन पसंद जरूर है पर बेअदब ते बदज़बान नहीं। बेगम तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, धीआं पराया धन ने, असी नजमा नूं इस वास्ते तालीम दवाई है कि वह पढ़ लिख के असलम की जिंदगी की साथी बन सके। मैं डरना कि तेरे नजमा के ख्यालात उन्हें असलम को दूर ना कर दे। मेरी हयाती चो दिन कदी नहीं आवेगा, मैनू अपनी नजमा ते पूरा भरोसा है। मेरे चूड़ा जलेबी मेरा जूड़ा, हथी मेरे चूड़ा जले
ओके मिर्जा बाय बाय। बजाय अपने गिरे बांझ मुंह बाकी अपने आप को पूछ। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। नजमा जे प्यो दी जुबान तेरी समझ से बाहर है ते फिर कान खोल के सुन ले। तू सिर्फ मेरी धी नहीं इस खानदान की इज्जत भी है ते इस इज्जत नु इज्जत ही रहन दे। लोकां ले तमाशा ना बना। तेरी जुबान के अल्फाज सुन के मैंने अफसोस ही नहीं दुख भी हुआ। मैं मां बन के तेरी हर जिद ते पूरी कर सकनी हां पर अपनी इज्जत नु बदनामी दा इश्तहार बन दिया नहीं देख सकती। तेनू ये खेल तमाशे की सोसाइटी छड़नी पड़ेगी। असलम तुसी फरमाओ मैं इस वेले तुहाडी की खिदमत कर सकना। हाले भी कोई खिदमत की कसर बाकी है जी। याद रख असलम तालीम ज्यादा तो ज्यादा एक जानवर नु इंसान ते बना सकती है पर ओदी असलियत नहीं बदल सकती। शुक्र है खुदा दा मैं जानवर तो इंसान ते बन गया पर अपनी असलियत नहीं खोई। नहीं तो दुनिया ने मैनू भी ताड़ी तरह दा तितर तितर बटेर आखना सी। शट अप। कस्तूरी कस्तूरी नहीं कस्तूरी। आई बेबी जी बीबी निक्के दफा हो गई से तेनू पता नहीं आज मेरा पुत्र असलम आ रहा है। पता है बीबी पर तुहाडे हुक्म नाल तबाऊ असलम दा कमरा साफ कर रही सा। नी सवेर दा पसूड़ी किथे डुब्बा है। डुब्बा है तेनी बीबी ओ बार सुता होया जी। बार सुता होया आ मेरे नाल। बीबी जी आ जी पसूड़ी सुता होया। आप घोड़ी चढ़ जाएंगे तो घर ले जाएंगे की समझे। तेरा सिर समझी नी जा जाके मिठे हलवाई की दुकान तो लड्डू का टोकरा लेके आ। अच्छा बीबी जी ऐ मैं क्या मिठे हलवाई को ना मिले तो फिक्के हलवाई को ले आई। अंदर की पिट पिट वेखन लगा है। चल गड्डी कड ते स्टेशन ते जाके मेरे लाल असलम नु लेके आ। बहु असलम आ रहा तो बस बीबी जी मैं यही गया तो यही आया की समझे। साडा इश्क दा रोग कोई न जाने कोई न जाने कोई बे मिठिया मिठा है नहीं। पीछे ता देखो उस्ताद जी की पीछे कोई पुचाल आ गया। उसंदा पुचाल आ गया उस्ताद जी पीछे कस्तूरी जे। कस्तूरी कस्तूरी वेड़िया मेरी बांह ते छट। ए बांह छुट नहीं सकती कट सकती। ये जे किसी पसूड़ी ने देख ला ते फिर हां मैं पसूड़ी दी अखंड मिर्चा ना सुरम चु फेर के उदी तूड़ी बना के खा जाऊंगा। ना वेड़िया जे तोनू खा गया ना ते मेरा सुरखी पाउडर दा खर्चा कौन चुकेगा। आ दो टक्के दा ड्राइवर कोचीवान ने की खर्चा चलाना पागल खानी है जड़ा आप दो वेले दी रोटी नु तरसदा है। आ खर्चा चलाना दा साडे च वड्डे अशकर ना कम है जिने 12 साल 9 बच्चियां दी मां दा खर्चा चलाया कोई चरखानी चलाया। ऐ गल ते ठीक है मिठिया पर पसूड़ी तो कुछ और ही कहंदा। और सुबांतरी ते कनाने दी गल छड तू अपनी गल कर। वेड़िया
तू ते मैनू गल करन जोगा छड्या ही नहीं। तेरिया गल्ला सुन के ना मैं अपने आप नू कुछ होर दी होर ही लगन लग पई। कस्तूरी ऐ की कह दिती, जे तू मेरे इश्क विच कुछ होर दी होर ही लगन लग पई है ते खुदा दी कसम मैं भी बहुते देर दुकानदार नहीं रह सकदा। ओए ए की हो गया ले फल, मेरी तरफों चुदराने दे लड्डूआं दा बयाना, इन्हू रख ले मेरे प्यार दा नजराना। एदी की लोड़ सी मिठिया, मैनू ते पता है तेनू मेरे नाल सच्चा इश्क है, पर छेती कर लड्डूआं दी टोकरी मैनू फड़ा, बाऊ असलम कितें घर ना पड़ जाए। हाँ हाँ बाऊ असलम सलामक बाऊ जी। की हाल पसूड़ी? अल्लाह दी मेहरबानी, अटैच किस मैनू फड़ाओ ते आओ सामने जीप खलोती जे मेरे पीछे लगे आ। अबीर किथे ने? उन्होंने मुरब्बे और इतरू के अदालते ला गए ने। की समझे? और की पे बकना है? सही पे बकना चौधरी जी, चौधरी साहब जमीन दे झगड़े मुकान लई शहर दी अदालत खाक पे छान दे ने। चुदरानी हो रही घर अदालत ला के तुहाडे इंतजार पे करदे ने, छेती नाल चल के हाजरी लवाओ। की समझे? बस समझ गया समझ गया, तुरन वाली गल कर। चलो ओए मैं तख्ता कर देंगा जबरू, तू चंगी तरह जानना मेरा नाम नादर है ते नादर ने आज तक जिस शायद ही खाज की ओदे पैरां चा डिगी है, जेड़ी शायद मैनू मंगिया ना मिले मैं उन्हें खोले ना। लोगां दे घरां दी गल छड्डो मलिक जी, पहलो अपनी मंजी थले डांग फेरो। ठीक पिया बकना मलिक जी, पहलो अपनी कुछ लगती लच्छी का ख्याल करो जेड़ी मच्छी वांगू तड़पदी फिर रही है। छेती नाल जाल सट्टन वाली गल करो मलिक साहब, किधरे ओ ना होवे ते लच्छी हथों ही निकल जाए। ओए किस तरह हो सकता, लच्छी दे प्यो ने मेरे मरन वाले प्यो नू जुबान दित्ती होई है, हुण लच्छी मेरी मंग ते जट दी मंग शेर दी मुछ दे बाल होंदी। सच्ची गल ते ए जे मलिक जी, असां ते अज तक लच्छी दे मत्थे ते वाटी वेखे जे, असां ते ओदियां अखां दी नफरत दी अग ही वेखी है, उहनू हमेशा तुहाडे कोलों संगदी ही वेखे। ओ चल्लिया, व्याह तो पहला हर मुटियार संगदी है, ते ओ कोई संगन वाली मुटियार व्याह तो बाद मरदी जन जान बच जाती। तुसीं व्याह दी गल पै करदे हो मलिक जी, उधर लच्छी सिरे तो मंगणी कोई मुनकर है। ओए मैं तख्ता कर देंगा। तख्ता करन दी की लोड़ है, तुसीं जाके उहनां नाल गल ही कर लो ते काफी है। आओ मेरे नाल चलो। I'm
ਇਸੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ ਬੇਬੇ ਲਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਤੇ 6 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਥ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਲੱਛੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਦਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਚੁਰਾਏ ਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੂਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਲ ਫੰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ मैनू जान दे शेरिया मेरा पुत्र चौधरी भी हवेली च मैनू वाजा भी मारदा है तू भूल क्यों गई है रहमते उस हवेली च उस हवेली दे बाहर तेरी दोस्ती दी दीवार जो खड़ी है घबरा ना शेरिया मैं अपनी मानता नु तेरी दोस्ती दी दीवार च हमेशा लई दफन कर देंगी रहमते मैनू तेरे कोल वेख के मैसी मैं तेरे नाल वादा करना एक ना एक दिन तेरे असलम नु तेरे नाल जरूर मिलावांगा आज से सहारे ते जिंदा लाश करिए शेरिया तू एक नजर अपनी अखा ने मेरे लाल नु वेखिया मैं तेरी अखा च अपने असलम दी सूरत वेख लवांगी पुत्र तू खांदा क्यों नहीं खाद रहे अम्मी जी तू तो सिर्फ सूंघी रहे शहर जाके ते तेनू खान दा वाल भी भूल गया हाली ते मैं शुरू ही हुई है मेरी अना खाना खा लो कौन मां दे हाथ सलाम करे मैं अपने हाथा नाल अपने पुत्र नु खाना खवावांगी सच पूछो अम्मी जेड़ी खुशी इस पिंडी च आके मिली है वो शायद जी कभी भी नसीब नहीं सी होई इंज लगदा जिवें मैं अपनी जन्नत च आ गई जिस थां ते मां दी छां होवे ओ थां ते जन्नत कोलो वी वध हुंदी है परदेस लख सोने चांदी दा होवे अपने पिंड दी मिट्टी दा मुकाबला नहीं कर सकदा सा ठीक आख्या अम्मी ए ते दसो अब्बा जी शहर कद तक आ जाणगे कह के ते इक दो दिन दा गया सी पुत्र अगे मुकदमे बाजी ते अदालतां दा मामला है देखो कद तक आंदे अम्मी मैंने तेरे को चोर दिसदा है कौन है तू चीटी मार नहीं तेरे हाथ ना तेरा गल उठ जाऊंगा मैं जानना तेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता हाथ किसी बुजुर्ग के गल का हार के बन सकते ने मौत का बना नहीं बुजुर्ग की जबान च नहीं चोर की जबान च गल कर चोर शेरिया तू अम्मी जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਰੂਪੀਏ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਚੁਦਵਾੜੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਰਦੇ ਆਗਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਯਾਰ ਦਾ ਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਕ ਚੁਦਰਾਣੀ ਯਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ मैं पूछनी है चौधरी ने तेरा की लुटिया शेरे नु लुटन ले ते ओ दा मुकद्दर ही काफी है चुदराणी सच पूछे ते कुदरत ने गरीबा नु अपना आप लुटान ले पैदा कीता किसे नु लुटन ले नहीं ऐस धरती ते गरीब नु हर कोई लुटदा है चुदराणी कोई तकदीर बढ़ के लुटता है कोई मुकद्दर बढ़ के कोई भरा बढ़ के कोई
ਕਰ ਸ਼ੇਰਿਆ ਐ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੁਦਰਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਰਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐ ਤਵੇਲੀ ਚ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮਰਨ ਗੂੰਜਦਾ ਜੁਦਰਾਣੀ ਸ਼ੇਰਿਆ कोशिश की थी, ते मैं लाश तेरे कदम छुड़ देंगा ठीक है ताकि मैं फमुंज कुटदे होई तू फिक्र ना कर तेरा जनाजा ली जायज करवा देंगा हो जा पलिए हाय 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 90 बरे हुए ने बेचारी लाइन वाले स्टार्ट नहीं होंगे बॉस लमें तो स्टार्ट नहीं होंगे धक्का लाना पड़ेगा हाय मरवाते पसूरी धक्का लाना पेगा चोर का पुत्र बड़े डंबल फेर दो धक्का तो लाओ हाँ जरा पता लग जाएगा मिलने की कोई तरकीब सोच तरकीब आ गई बीबी और भैनो अद्धी चुड़ेल ते अद्धी डैनो की समझे वे तू ऐसे किस तरह मैं अपना आया नहीं मैं ते आया तको जोरी की समझे वे कुछ समझाए भी समझावा की मेरी जीभ दा पानी मुक गया संघ सुक गया हर दो मिनट बाद खंगना शुरू कर देंदी है उन खूह दे पानी दे तुहाडे धक्के दी लोड़ है नजीप मेरी अड़ियो तुहाडे धक्के दी लोड़ अड़ियो इन्हां ने एक बारी मेरी इज्जत बचाई सी ते हुण इन्हां दी मदद करना साडा फर्ज है आओ मेरे नाल नहीं नहीं तुहानू नाल जाण दी कोई लोड़ नहीं तुसी अपना काम करो आओ अड़ियो तुसी जाओ इहदे नाल मैं अच्छी तू उड़ीकनी चलो अड़ियो क्यों मर गई जे चलो चलो छेती कराओ चलो शाबाश चलो तुम मेरी बात ही फाड़ ली है इस सवाल का जवाब तो मेरा दिल ही दे सकता है जे तेरे दिल में बुरा लगे तो मैं बात छड़ भी सकना एक हो रही पैरा किया जी लच्छी हसदे
हसदे बांस फड़ ले दिल अपने दी मर्जी कर ले लख लावे जग जोर नी तू मुख मोड़ न जावी मुख मोड़ न जावी सब कुछ मेरा नहीं तेरी अखियां ने भी सोनी लुट लिया सब कुछ मेरा नहीं सजना प्यार दिरा में टूर पई जिद रखिया तू हो जर मुड़ पई हुण तेरे हथ दूर मैं लगियां तोड़ न जावी लगियां सूरज विच लाली तीरत मेरी लड़ जवानी दाढ़ी किस्मत वाली प्यार तेरा अंज दिल विच वसिया जू सूरज विच लाली तीरत मेरी लड़ जवानी दाढ़ी किस्मत वाली मेरिया तेरिया एक तकदीर एको रंग ते दो तस्वीर लख लावे जग जोर नी तू मुख मोड़ न जावी मुख मोड़ न जावी इश्क तेरे दिया तारानूं जद मर्जी अजमाले मेरे प्यार दे पाल करारानूं बन ले अपने सावां दे नल इश्क तेरे दिया तारानूं रोज असी हुण मिलदे रहना भुल के नहीं बछोड़ा पैना हुण तेरे हथ डोर में लगियां तोड़ न जावी लगियां तोड़ न जावी हसदियां बांस फड़ ले हुण तेरे हथ डोर वे लगियां तोड़ न जावी लगियां तोड़ न जावी ओए मैं हाथी ला देंगा जरा मेरे प्यार वदिया ओए मैं तख्ता कर देंगा हाय 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 मेरे भोले बादशाह तेरा असल दुश्मन असलम नहीं लच्छी दा प्यो सरदारा है जिन्हें तेरी मंग खो के ते तेरी गैरत नु ललकारे ओए इस जमीन ते अज तक किसी मां ने पुत्र ही नहीं जम्मिया जरा मेरी मंग खो सके ओए मैं तख्ता कर देंगा यही ते मैं चाहूं पर ताकत नाल नहीं सियासत नाल की मतलब ओए मैं तख्ता कर देंगा
ਦਾ ਸ਼ੇਰਿਆ ਜਾਣ ਦਾਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖੋਣ ਆ ਗਈ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ੇਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਈ ਨਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਦਈ ਸਰਦਾਰ ਆ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਦ ਸਾ ਚੰਦ ਸਾ ਭੱਗ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਆ जिंदगी दे किसे मोड़ ते लच्छी नू इस गल दा एहसास नहीं होण देंगा कि उहदा प्यो लच्छी नू उहदा चाचा लै गया तुहानू एक गल करदे शर्म आवे ना आवे पर मेरी यार को पसीना जरूर आ गया ओए मैं उहदा तख्ता कर देंगा ए गल नहीं सर असी चुप चमचे शेरा लच्छी नू नहीं अपनी मौत नू नाल लै गया ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਚਾਚਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਧੀਏ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ लोग ते जिंदा नु सबर कर लेंदे ने मरन वाले ले सबर करना तो बहुत आसान है मैं क्या तू पिपले मिंट की गोली मंगू क्यों उछलन दई मिठे ने तेरी बाह नहीं खिची मेरी गैरत का गिटा खिचिया मैं ओदी दुकान दी इटा खिच के ओदा पट्ठा ही बाह जाएगा की समझी मैं ते कुछ नहीं समझी खबरे तू की करना चाहना मैं निकाह करना चाहना पर निकाह तो पहले एक नेकी का काम करना चाहना जे सुन सकनी है ते सुन मिठे दा मैं ओ अशर करांगा ओ अशर करांगा की समझी मैं हाले भी नहीं समझी तेरा खाना खराब होवे तू तो उदो भी नहीं समझना जो तेरे कुछड़ चार बाल होने ने ते जे तू हुन भी नहीं समझी ते मेरी गल याद रखी सारी उम्र पछतावेंगी गली गली ते घर घर कुरलावेंगी ते ओहे गाना गावेंगी ओ मेरे सजरे फुलां दे गजरे ड्राइवरां दे वस पै गए की समझी हाय हाय बे दस मिठे दा की करना ई मिठे दा फिक्र ना कर ओनू मैं सत्तुआं च घोल के पी जांगा भावें मेरा मेदा खराब हो जाए कान उरे कर ना कुदर कर अखा नीवियां कर ये समझी मैं चंगी तरह समझ गई हां हां खुश कर देते मेरी इस टपनी है की गल है कि तेरी हवा घट वे तेरा कख ना रवे दूध सारा लोड़ दित्ते दुध तेरा नहीं मेरा है इन मैं पावे रोना तो पावे सुटा तू कौन बोलना दी जाता वो किसी और दुकान तो जाके दूध ले जवानिया जावे मेरे भांडा मार दिते जो तेन बंब मारा जाता वो दूर फिटे मुंह वे मिठिया जी नाशपाती वेड़िया तू हमेशा मेरी बाई खींच लेना गल कर फिकी है आज ते मेरा वन सोनी मठियाई खान नु बड़े जी करदा है ओए जो मर्जी खा तेरे पियो दी दुकान ओल दे पुत्र की बकवास पे कर मेरा मतलब है कि तेरी अपनी दुकान है जे तू हुक्म करे तो मैं पूरी मिठाई दी दुकान स्टोकरे च बंद कर दियां जी ओ किवें तन्नु पता नहीं कि चिराग अलादीन जड़े जिन ने काम कीता सी ओ मेरा पियो देख दी तरह मैं की काम खान अलग पाई जा
चढ़ा के हूं होश पे करानी है हूं मैनू बेहोश ही रहने दे कस्तूरी की गल कौड़िया वो तेरा बेड़ा गर्क हो गया की पिया पकना वो तेरा कख नहीं दिया की पौकन दिया वो तेरी बेबे मर गई है बेबे मेरिया बेबे और ठुए दिया पुत्रा जी तेरे उस्ताद दी बेबे गुजर गई है बेबे तेरी नहीं तेरे उस्ताद दी छेती ना जात बाजार मुश्कपुर लागत कारा पड़े चलो चल छेती की समझी सब समझ गई है खाना खराब दा पुत्र सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम मिठिया की गल तू क्या फिर रोना है पिंड वाले मेरी बेबे मर गई है माली साहब मैं लुटिया गया बेबे मर गई अगल कर हलवाइया और तेरी मां तो 9 साल 9 महीने हो गए मरिया पागला तू हूं प्यार होना है मैं याद आ गया तू ठीक कहना पसूड़ी दे बच्चे ने मेरे नाल कोई वारदात की कन्ना विच तेल नहीं पा रहा तुहाडियां जेबां विच हाथ नहीं पा रहा मैं तुहाडे दिमागां विच एक गल पा रहा बुझारता की पाना गल खोल के कर गल खुल गई तो अखा खुल जान खुन्ना खुल जान गए समान टूट पाएगा तो हिल जाएगी धरती है धरती पंज दरियावां दी है धरती की पिया पटाखना है मैं पटाख नहीं रहा भाप बारा सिंगे चाचा खैरू तू आप ही दस के इस पिंड खैर की खबर कितने नस गई है इस पिंड की गली गली जनाजे क्यों पे उठते ने ए जवान इन्हों के कुब क्यों निकल आए ने ए बंदे दे पुत्र दो ऊंट दो पुत्र क्यों लगन लग पे है गल तो ठीक है पर तू दस सब होया किस जे हाले भी तुहानू कुछ नजर नहीं आया चुचे हो तो मेरिया अखां नाल वेखो समझे तू ओ पिंड वाले हूं तो कुछ गैरत खाओ और मैं दा पोल खो थारे नाल के दा खुन्ना खोल दियो ओए पसूड़ी ठीक आखदा जे पिठे दा मुंह काला करके खुद ते चार दियो वेखो इस पोके मुए नू किन्ना बंदा ए मस्कीन दूध दे विच पाउडर पांदा ते मठियाई दे विच सकरीन भूल के ना सौदा लेना एस दी दुकान ओए भूल के ना सौ लेना एस दी दुकान दा बड़ा बेईमान जे ए पुत्र शैतान दा ए पुत्र शैतान दा ना सौदा लेना इस दी दुकान दा हो सकती है सजनों इज्जत मेरी
ਜੀ ਖਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਿਲੋ ਚੌਰੀ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ चौधरी मेरे मरूम भरा की निशानी है सलाम चौधरी जी जीदी रोटी रानी चाचा तू चौधरी होना ना बैठ के रोटी खा तू मैं पानी लैके हुने आई चंगा पुत्र चल चौधरी पहले रोटी खा ले तो बाकी दिया गल्ला फिर करांगे चंगा वे गड्डी मोबोला लबोता खांदी है वे दो चार झटके आंदे बाद फिर बंद हो जांदी है लच्छी तू तो पानी परेंदी है पाती है लच्छी है नी सजना दे पिंड आके ना इंज बसी है नी देखो थोड़ी तो ईमान ना तेनू लबल करे पिंड की गली गली दिखे उड़ाई अपने सिर च पाई है साबन नाल तो आई है ईमान ना सानू नहीं सी पता कि लच्छी इतने पानी भरन आई है की थली मैं अपने अगे के मरण तो बाद अपने चाचे शेरे के पिंड इतने आ गई चाचा शेरा या इलाही ये क्या माजरा है ते माजरे ने छाज ए दस बाहु असलम का की हाल है ओहोई जड़ा आशकां दा अज तक होंदा है ते की पे कहना है जे सुन साकनी है ते दिल ते हाथ रख के सुन तेरे इश्क नचाया करके सही क्यों पुत्र असलम परेशान क्यों है खैर तो है ना कोई गल नहीं अब्बा जी गल तो कोई जरूर है क्यों रजिया कि शहरों शहरों तो चंगा भला हसदा आया सी बाबू असलम जी जरा एक मिनट लिए बाहर आना की गल मैं तुहाडे कोलों गड्डी नूं धक्का तो नहीं लवाना तुहाडे नाल एक बड़ी गैर जरूरी गल करनी है की समझे मैं तेरिया तू ही समझे जा पुत्र शायद तेरी समझ चाहिए कोई गल आ जाए की समझे आ जा गल है ये बाबू जी की समझे आप पौंकदा क्यों नहीं की बुझाता पा रहे हैं खुल के गल कर गल खुल के नहीं खुल के करने वाली है बल्कि कौल मोल के करने वाली बकवास ना कर मैं क्या जान तो पहले लच्छी का पता तो पूछते जाओ मेरे को लच्छी ते होर की वच्छी और तुम कितने मिली सी लच्छी अपने चाचे शेरे के खूह से शेरे के खूह से घबरा क्यों गए शेरा पंजे मारने वाले नहीं अपना चाचा शेरा जे हुण भी मिलन दा चाहे तो चाचे शेरे दा बुआ मैं विखा देना कुंडी तुसी खड़का दे गाडा हाथ नहीं अपड़दा माई बाप ओए हमेशा उल्टा रस्ता ही दसी ओए उनू मिलन दी कोई तरकीब दस आहो यार तरकीब तरकीब की हो सके भाई मेरी जीव आ गई है ओ कर कौन है सज्जनो ते मित्रो बीबीओ ते भैणो मेरा किस्सा कोई तोते मैन दा किस्सा नहीं मेरा किस्सा ते किस्सा मुक्त से रहे जिदा ना है यार दी मुलाकात ते एक महबूब अपनी महबूबा नु की सुनिया भेजदा है अज दिन है कुड़िए पीर दा तेरा हिजर कले जाए चीर दा मंदा हाल है तेरे असीर दा सच्ची गल पसूड़ी ने कही किस्सा टाइया ने कुड़िए बाहर हो जा अज दिन है कुड़िए पीर दा तेरा हिजर कले जाए चीर दा मंदा हाल है तेरे असीर दा सच्ची गल पसूड़ी ने कही किस्सा टाइया ने फुफड़ा बाहर हो जा जदों दा ते तो वाखनी ओदी से दरिया न कखनी होया जदों दा ते तो वाखनी ओदी से दरिया न कखनी ओदा पीड़ करेंदा है लखनी तू जाल में खबर न लई ए तू जाल में खबर न लई किस्सा टाइया ने मामा बार हो जा समझ मेरी गल बात नू हे जरा समझ मेरी गल बात नू नी मेरी भैन नी मेरी सोनिए नी जरा समझ मेरी गल बात नू अज हीरी अदड़ी रात
समझ मेरी गल बात नू अज हीरी है अदड़ी रात उन सद्या है मुलाकात नू ओदी जान निकलदी पई है ओदी जान निकलदी पई किस हटाइया ने चाचा बाहर जा मैं ओदा ठिकाना नी ओ जेड़ा है बाग पुराना नी तेनू दसा मैं ओदा ठिकाना नी ओ जेड़ा है बाग पुराना नी ओथे अज जरूर तू आना नी हुन गल अखीर दी कई हुन गल अखीर दी कई गल भुली ना ओथे आना तू इस हटाइया ने कुड़िए सुन लै तू ओथे आना तू गल भुली ना कुड़िए सुन लै तू ओथे आना तू गल भुली ना कुड़िए तू ले
ਮਲਕਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲੇ ਓਏ ਪੋਤਿਆ ਓ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ।
असलम पुत्रा होश कर। तेरे असलम वे जालिमों की वगाड़िया से मेरे असलम ने देना रजिया चौधरी हुण ते अपनी आंखा तो झूठे शराने की पट्टी खोल के इस प्यो दी नजरां नाल देख। रजिया पागल ना बन, शेरन ते कुछ कह लेंदी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। चुतराणी एक नजर है तखम वाल मार के वे, शायद तनु मेरी बेगुनाही दा सबूत मिल जाए। तू अपने मत्थे ते जख्म सजा के अपनी जान नु धोखा दे सकदा है, पर एक मां दी आंखा नु धोखा नहीं दे सकदा। मैं कहनी अपने जख्मां दे फुल्लां दा हार अपने जान दे गल विच पा, जिन्ने तेरे जराने तो एक मां दा पुत्र मार कढ़िया। रजिया कहां हांडा शेरिया मेरिया नजरां तो, मैनू तेरे जख्मां चो अपने लाल दा खून नजर आ रिहा। चुतराणी मैं कहनी दूर हो जा। फिक्र की कोई गल नहीं चौधरी साहब, जख्म मामूली ने, सिर्फ खून ज्यादा बह जाने की वजह नाल इन्हें ते बेहोशी तारी है। इंशाल्लाह चंद सेकेंडा तक होश विच आ जाएंगे। चाचा शेरा उस दुश्मन का नाम ना ले पुत्र। अम्मी जे चाचा शेरा मेरे दुश्मन दे वार अपने हित ते ना रोकता ते अज ऐस बिस्तर ते असलम नहीं ताड़े पुत्र दी लाश होंदी। असलम अब्बा जी चाचा शेरा ताड़ा दुश्मन नहीं, जान देने वाला सज्जन है। ए मैनू नहीं अपनी मां नू समझा पुत्र, जिन्हें बार बार मेरी दोस्ती की तोहीन की, जिन्हें बार बार शेरे जे इंसान नु जलील करके इंसानी का मजाक उड़ाया। बस कर चौधरी बस कर, हुण ते मेरा जमीर भी जाग उठे। रब दा वास्ते एक वारी भरा शेरे नु ऐसे वेले विच लाया, मैं ओदे पैरां विच डिग के अपने कीते दी। जे तेरा ते जा जा के वेख लै, ओ हाली भी हवेली दे बाहर खलो के तेरे पुत्र दी हयाती दी दुआवां मांग रही है। परवरदिगार आलम तू बड़ा गफूर रहीम है, तनु वास्ता ही तेरी रहीमी दा मेरे हाल ते रहम कर दे। तू अपने हबीब पाक दे सदके च ऐस बेबस ते मजबूर दे उठे हत्था दी लाज रख लै मेरे मालिका। प्राशिया मैनू माफ कर दे, रब दा वास्ता मैनू माफ कर दे। मैनू चुतराणी नहीं, मैनू परचाई आख, मैनू भैण आख प्राशिया। मैनू भैन आ गई, भैन ते माफ कर दिता है। हुण चल के असलम नू भी देख लै, जिन्हू तू दोबारा जिंदगी दे के एक मां की दुनिया उजड़न तो बचा लीए भरा शेरिया। जिंदगी ते मौत मेरे खुदा दे हाथ च। शेरिया थानेदार और अन्य नादन फड़ लिया। वो तो बाकी बाकियों को शाम तो पहले पहले हवाला बंद समझो, हम तुम अपने तो बाबू असलम का ध्यान रखा दो। अच्छा थानेदार जी आओ मेरे नाल, चल पहले। मैं हाली भी यकीन नहीं आता शेरिया। यकीन कर रहमते, तेरी ममता ते मेरे सबर ने उस चौधराणी के गरूर ते तकबर नू मेरे पैरां च चुका दिता है। मैनू चोर समझ के तके देने वाली ने अज मैनू भरा आके मेरे को माफी मांग ली। शेरिया जे सच्चे ते अज मैं अपने लाल नू ला ला के अपने सीने ना जरूर लावांगी, अपने सीने विच लगी हुई उस अग नू जरूर ठंडिया करांगी जिन्ने 20 साल तो मेरा कलेजा दुलख बनाया होया वे। मैं हवेली जरूर जावांगी शेरिया। तैनू उत्थे जान तो कौन रोक सकता है, पर मैनू तेरा इस तरह उत्थे जाना पसंद नहीं रहिंदी।
शेरिया मां दे उचड़े हुए दिल नु बहार आन दी खुशखबरी सुना के मुड़ के पत चढ़ दिया गल्ला क्यों करन लग पे मां दे सीने ते लगे हुए जख्मा ते मरम रख के नश्तर क्यों जलान लग पे अनाख रहंते जिथे अन्ने साल अपनिया टीसा दबा के जख्मा लुका के जिंदगी गुजारी थोड़े जे दिन होर सबर कर जा ए मेरे बस विच नहीं शेरिया जुद ना कर रहते मैनू जान दे शेरिया ए मेरी जिंदगी का सवाल है तो फिर दूजे पासे मेरी इज्जत का सवाल है मैनू चोर आखण वाली भरा कह के मेरे पैरों विच ते डिग पई है पर हुण मेरिया अखा उन हाथों तेरे सामने जुड़िया वेखना चाहदिया ने जिन्ना हाथों नाल चुतराणी ने तैनू उस हवेली चो बाहर कढ़िया सी मेरी आखिरी ख्वाहिश है रहमते तेरी हर ख्वाहिश मेरा ईमान शेरे जे मैं तेरी खुशी लई अपने कलेजे का टुकड़ा दे सकनी हाँ तो थोड़े दिन होर इंतजार ही कर सकनी हाँ रहमते ले बे इस मामले च किसी बुजुर्ग नूं लियाण दी कोई लोड़ नहीं क्योंकि उन्हें गल्लां घट करनी है ते खंघना ज्यादा एवें जो ठुकन दे ढेर लाने की फायदा ते मैं क्या बेहतर यही है कि विआह की तरीक असीं दोवें मुकर्र कर लिए गल कर ठीक है मेरा ख्याल चन दी खबरदार चन चुन दे चक्कर च ना पई उहदा की पता चढ़े ना चढ़े सूरज दी कोई तरीक रख ला हाँ है सूरज दी आहो अच्छा फिर आप ही रख ला केड़ी तरीक केड़ी तरीक ले जिस दिन सूरज ग्रहण होवेगा ना मैं घोड़ी से चढ़ के आवांगा तू डोली च बह जाए शिखर दोपहर च अपनी जंज खज्जल खुआर होंदी फिरेगी जिस वेले शाम ढलेगी तू सही ते मैं अपने असलम बहू दे मुकद्दरां दा अंदर की फैसला हो रहा मेरा ख्याल है चंद दी चौदवी ठीक क्यों जी कुछ तुसी भी ते बोलो ना एहो जे कमां ते बोलन दा पदैशी हक सिर्फ औरतां दा असी लोग तो सिर्फ हुकम दे गुलाम आ वैसे मेरे वालों तुसी भावे कल बरात लेके आ जाओ भाईजान चांदी चौदह ही ठीक है खुदा करे असलम ते नजमा दी जोड़ी हमेशा कहन जावे मिस नजमा असी दोवें नदी दे दो किनारे वांग नाल नाल ते चल सकने हैं पर आपस विच मिल नहीं सकते मैं तुहाडा मतलब नहीं समझी तुसा मैनूं समझण दी कदी कोशिश ही नहीं कीती शादी सिर्फ वालदेन दी पसंद दा मामला नहीं लड़की लड़के दे जिन्हां दा मामला है ते ताड़ी मेरी पसंद दी जमीन आसमान दा फर्क है मिस्टर असलम जे इंसान बदल सकता है तो जेन बदल दिया देर नहीं लगती इंसान बदल सकता है जेन बदल सकते नहीं पर किसी की फितरत का बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और चाहे तो तूफान दे रुख बदल सकती है मैं शादी जरूर करूंगी वालदेन की पसंद की खातिर नहीं तुहाडी दुनिया बदलन ले ऐ मेरा अटल फैसला है जरूरी नहीं तुहाडा फैसला दूजे की पसंद हो फिर दस दो की जरूरी है नजमा मेरा ख्याल है फिलहाल तानू खाली हाथी जाना पेगा असलम असलम फुफी जान जीवंदी रोती है फुफी सदके फुफी वारी भाई जान मैं शादी का सारा सिलसिला इंशाला इसे पिंड च अपनी पुरानी हवेली विच ही करांगा जिस तरह ताड़ी मर्जी जी बेगम गड्डी चलने च सिर्फ अद्धा घंटा रह गया हूँ सानू चलना चाहिए अच्छा भाई जान सानू इजाजत दियो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जी अच्छा बीबी खुदा खुदा हाफिज़ उन तो ब्याह दी तैयारियां कर मैं शेरिन मिला जी अम्मी जी पुत्र मैं नजमा नाल तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर आई हूं अम्मी जी मैं ब्याह नहीं कर सकता खुशियां गली गली किसी उच्ची थां खलो के सारे पिंड वालों दसा
एक गरीब मां का पुत्र भी खान बहादुर की धी ब्याह शेर तुम लख चौधरी का पुत्र सही पर है तो मेरा ही पुत्र ना नसीब देख के मेरे सुते हुए नसीब जाग उठे मेरी बेचैन ममता चैन मिल गया मेरे कलेजे च ठंड पै रही है रब मेरे पुत्र नु बुरी नजर तो बचाए मैं मजबूर हाँ लच्छी
है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे अगे भी किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी मोहब्बत का गल कर सकती हूँ, पर किसी दरमाने का खून नहीं कर सकती। लच्छी, ऐसे दिल ही ऐसा प्यार दे गीत गाए सन, ऐसे दिल ही ऐसा मोहब्बत को जन्म दिता सी कि अपने हथियां तक गल कुट दी। मोहब्बत किसी पा लें ना है, किसी तो कुर्बान हो जाता ना है। मैं तेरे अगे हाथ जोड़ी असलम, उसे मोहब्बत का वास्ता देनी हाँ जेड़ी तेरे दिल की धड़कन बाकी है। मैनू भूल जा। मैनू दुनिया भुला के अपने किए हुए कौल करार क्यों भूल रही है? मैं तो भूल, मैं अपनी अजीत भूल के चकोर वांगू जान प्यार पा बैठी, चुगी च रह के महलों के खाब ला बैठी। मैं तेरे प्यार की खातर महलों छड़ दियांगा। मेरा प्यार इना खुदगर्ज नहीं जरा दूजिया ने खुशियां से डाका मारे। जे तू नजमा ना शादी ना की थी, तो मैं जहर खा लवा। जे तेरा कोई फैसला कि जहर मैं खाऊंगा, मैं नजमा ना शादी करांगा। जिद ना कर रहे थे, मैं कहना है सिरे की कोई लोड़ नहीं। रब का वास्ता ही उनसे एक मां को पुत्र दिया खुशियां मनाने का हक दो। मैं तेनू किस तरह समझावा रहते, दिती हुई चीज से कोई हक नहीं होता। मैं अपना हक जतान नहीं, सिर्फ फसलन के मथे ते सिरा बन के एक मां का फर्ज अदा कर आई। फर्ज ते असलम की मां चुतराणी अदा कर चुकी है। तेन की हो गया इस रास नु राज ही रहन दे। ये राज मेरे सीने विच तेरी अमानत है। मैं अपनी आगे चाप चल जावांगी, पर तेरी दोस्ती ते हरफ नहीं आन देंगे। मैंने तेरे को लेख हुई मिली सी, चला मोए पुत्रां दे सिवा कुछ नहीं सी लिखिया होया। मेरे यार शेरे ने तेरी हनेरी दुनिया नू रोशन करन ले रहम तेरी जिंदगी दा चिराग तेरी हवेली लिया रोशन कीता। ऐ की जुलम कमाया है चौधरी, तुसी दोवां यारां ने मिलके एक मां दी दुनिया उजाड़ी है। एक मां दे दिल विच अपनी दोस्ती दे पंजे डबो के खुदा दे कहर नू बाज मारी है। दुनिया का कोई मजहब, कोई दीन, कोई अकीदा तुम्हें तुम्हें माफ नहीं कर सकता। चौधरी, आज तक तेरिया अखा ने गरीब रहने दिया मजबूरिया का तमाशा ही देखा है, पर एक मां के दिल विच निकली हुई आह नाल खुदा का अर्श हिलदिया नहीं देखा। मैं अपनी जान दे दिया जी चौधरी, पर किसी मजबूर मां के दिल का टुकड़ा नोच के अपने आप पर तबाह नहीं करूंगी। चौधरी, हम ते अखां तो दोस्ती की पट्टी ला के एक इंसान की अख नाल वेख, बोल कद तक तेरी दोस्ती एक मां की बेबसी का मजाक उड़ाती रहेगी? तू चुप क्यों है? एक मजबूर मां की मानता नु तड़पदिया वेख के तेरी इंसानियत जोश क्यों नहीं मारती? किथे चला गया सर चौधरी? मियां जी बिस्मिल्ला करके निकाहनामा लिखना शुरू करो। चौधरी मोहम्मद असलम वल्द चौधरी सुल्तान मोहम्मद। मौलवी साहब, मोहम्मद असलम वल्द चौधरी सुल्तान नहीं, शेर मोहम्मद लिखो। एक ही कह रहे हो भाई साहब? चौधरी का सच कभी नहीं छुप सकता। अज मैं जोश की हर दीवार से मजबूरी की हर चट्टान गिरा के
परी परी आज कमागा। असलम मेरा नहीं शेर का पुत्र है। होश कर चौधरी, जिंदगी च पहली बारी ते होश आया शेरिया। मैं दुनिया की खातर अपनी आकबत का सौदा नहीं कर सकता। हुण मैं बहुत ही देर इस हकीकत नूं नहीं छुपा सकता कि असलम शेरे का पुत्र है। असलम इस कमीन मिजारे का पुत्र है, तो शादी नहीं हो सकती। इस कमीन मिजारे के पुत्र नूं मेरी हवेली तो बाहर ले जा, नहीं तो नजमा की डोली थां इत्थों दा जाला उठेगा। भाई जान, मैं पूछनी है, एक नीच जात नूं साडा जवाई बना के साडी इज्जत दा मजाक क्यों उड़ाया? साडे खानदान की गैरत ते शराफत नूं एक कमीन मिजारे के पैरां विच रोल के साडे बुजुर्गां दीआं कबरां नूं क्यों लताड़े? मेरे जींदियां जी शादी नहीं हो सकती। ए शादी हो के रहेगी। मैं कहनी है बरात वापस जाएगी। ऐ तेरी भूल है सलमा। रजिया, भाई जान कह दियो है बारात वापस नहीं जाएगी। असलम मेरा पुत्र है, मैं इनू जन्म से नहीं दिता पर मां ने गोद से दिती है। रजिया, गोद बदल जान नाल खून नहीं बदल सकता। नीच जात उच्ची जात उच नहीं बदल सकती। अवान का बच्चा इंसान नहीं बन सकता। खान साहब, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अज तानू बहुत कुछ सुनना पेगा। अज पहली बार मेरे मुंह बिचू एक गरीब की जबान बोली है। अज तक तुसा गरीब की जबान तो मजबूरी और बेबसी के होके ही सुने, पर उन्होंने जबान नु गैरत की तलवार बंदे नहीं देखी। चुप हो जा असलम। मां जी, जे है जबान चुप हो गई तो मेरे जिसम दे खून का एक ही कतरा पुकार पुकार के पूछेगा। जवाब दियो, इंसानियत के झूठे ठेके ऐस धरती से सिर्फ खान बहादुर इंसान कहलाने का हक किने दिता है? जवाब दे, उच्चे शमले तो उच्चे शाना वाले हो। इंसानियत के सीने थी जात बरादरी से ऊंच नीच की दीवार किने खड़ी की? बकवास बंद कर असलम। ये बकवास नहीं हकीकत है। तू दौलत के नशे में उस इंसान को हैवान आखिया है, जिन्हें इंसानियत के नाम जिंदा रखने लिए अपने आप को कुर्बान कर छड़िया। उस इंसान को नीच आखिया जिन्हें तेरी भैन नु मौत दे हनेरिया को बचाने लिए अपनी जिंदगी का चानन बख्श दिता। बंद करो ये नाटक। मैं कहना है शादी नहीं हो सकती। मैं कहना है शादी हो करे गई। मेरे हुंदे दुनिया की कोई ताकत उस दी शादी नहीं रोक सकती। पर यह शादी किसी खान बहादुर की धी नजमा नाल नहीं, एक गरीब की धी लच्छी नाल होवेगी। मेरा लू लू तेरा एहसान मान दे। मैनू शर्मिंदा ना कर मेरे यारा, और जे मैं तेनू अपना पुत्र दे सकना तो धी भी दे सकना। शेरिया सुल्तान, असलम असलम चौधरी जी, साडी भी सुती लेख जगा, नहीं तो सानू चीह ला के पाओ। की समझे? और की कहना चाहना, खुल के गल कर। चौधरी जी, एक गल खुल के नहीं घुट के करने वाली है। मत बले वे, असी सारी उम्र गड्डियां नु हैंडल ही मारते रहना। साडा भी बलीमा चौधरी असम के बलीमे के नाल होना चाहिए। बज गज के नस के बज गज के। की समझे? सुल्तान है ठीक कहना। की समझे भाई? जी अज